ये तो मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं होगा कि पता नहीं कब बॉल उठाया। घर में खेलते रहते थे जब छोटे होते थे, तो घर में खेलते थे। तब तो फास्ट बॉलिंग में नहीं करता था, स्पिन बॉलिंग करता था, क्योंकि घर में जगह इतनी नहीं थी कि वहां पे आप फास्ट बॉलिंग करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टेप बॉल का मैच जो है वो खेला, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्रिकेट। आप ये टेप बॉल गली क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आपने टेप बॉल पहले खेलना शुरू किया, आपको शुरू से ही अंदाजा था कि यार मैं बहुत तेज बॉलिंग कराता हूँ? शुरू से तो अंदाजा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं मैचेस खेलता था। मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊंगा या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा, या इस तरफ तो कोई माइंड नहीं था। बस एक एक जुनून था, और एक लोगों ने कहा आप तो अच्छा खेलते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं अच्छा खेलता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा आगे जाके, क्या पता मैं टीम में चला जाऊँ। मतलब उस टाइम से सिर्फ इतना माइंड में आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों का पता चला, कैसे कैसे आगे जाना है, आगे अंडर 16 है, 19 है, इन चीजों का तो बिल्कुल इलम नहीं था कि इसमें अंडर 16 होता है, फिर अंडर 19। जैसे जैसे फिर क्लब वगैरह स्टार्ट किए क्रिकेट, तो इससे तो पता चला ये स्टेप पे, और फिर यही माइंड में था कि अब मैंने खेलना ही है पाकिस्तान। आपने बहुत छोटी उम्र में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। आपको कैसा लगा था जब आप अपना पहला मैच खेले थे? आप उस वक्त 16 साल के थे। 16 साल के यूजली बच्चे जो होते हैं एग्जाम दे रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, आप पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो उस टाइम की ऐसी फीलिंग थी कि वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि वो क्या फीलिंग थी। बस एक चीज वो जो मिस कर रहा था वो ये है कि वो चलो दिल के अंदर ही रहनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा एक जबरदस्त था मेरे लिए डेब्यू करना, के डेब्यू का पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना। पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान के लिए खेलते हो, ग्राउंड में उतरते हो और क्राउड देखते हो और दूसरे कंट्री में होते हो, तो मेरे ख्याल से वो ऐसी फीलिंग होती है कि वो इंसान उस टाइम समझता है जो इंसान खेल रहा होता है। बिल्कुल। और आप इतनी छोटी सी उम्र में, आपको लगता है आपको फुल एहसास था कि आप कर क्या रहे हैं, या आप शायद 10-15 साल बाद सोचेंगे कि यार मैंने 16 साल की उम्र में बड़ा काम किया? नहीं, मेरा पहले से ये माइंड था, जब से मैंने मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की है तो मैं यही मतलब देखता था। ये जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, बैट्समैन, इंटरनेशनल जो पहले खेलते थे और हम अंडर 16 और इनमें होते थे, बस यही सोचा था कि यही है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर हम इन ये लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, अगर इतना मेहनत हम करें इस उम्र में, और टैलेंट तो अल्लाह ने मतलब दिया हुआ था, लेकिन ये था कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यही सोचा था कि मेहनत करनी है, उतनी करनी है जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए होगी, तो उसी तरह मैंने मेहनत किया, और मैं तो अपने मेहनत पे बिलीव करता हूँ, अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, और आगे ये नहीं देखता आगे क्या होता है, बस ये बिलीव रखता हूँ मैं मेहनत करता हूँ और जितने दिमाग अल्लाह ने दिए उसका अच्छा इस्तेमाल करता हूँ और अल्लाह मदद करता। नसीम, जब आप पाकिस्तान में खेलते हैं नसीम, यू प्ले विद द कुकाबरा बॉल, ठीक, और इधर आप ड्यूक बॉल के साथ खेलते हैं, दोनों बॉल में आपने क्या महसूस किया फर्क? बिल्कुल फर्क तो है। ड्यूक बॉल में यह है, ड्यूक बॉल ज्यादा देर तक मतलब ठीक रहता है, वो उसी तरह आप एक साइड से शाइन करते रहो तो वो ठीक रहता है, उसी तरह शाइन होता है और स्विंग होता है। कुकाबुरा बॉल में यह है कि वो नया जो होता है तब वो स्विंग होता है, और उसके बाद वो मतलब वो रिवर्स के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। दोनों बॉलर के अलग अलग जो है वो अपनी है, क्योंकि ड्यूक बॉल जल्दी रिवर्स के लिए तैयार नहीं होता। ड्यूक बॉल ये है कि लास्ट तक अगर अच्छी कंडीशन हो तो वो आप शाइन करो तो आपको जो है वो स्विंग मिलता है, अच्छा मिलता है आपको शाइन। और कोकाबुरा बॉल जो है वो मतलब ये है कि आपको 10-12 ओवर तक अच्छा स्विंग होता है, फिर उसके बाद अब जिस तरह शाइन पे है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस तरह नहीं रहता जिस तरह ड्यूक बॉल, तो ये फर्क। एक निकनेम चल गया था, आपका नाम था, लोग आपको कहते थे लिली शाह, डेनिस लिली के साथ आपका कंपैरिजन करते थे। आपको कैसा लगा, डेनिस लिली लेजेंडरी क्रिकेटर है, आपको कैसा लगा था जब आपके नाम के साथ उनने उनका नाम शामिल करना शुरू किया मीडिया ने? नहीं, अभी तो मुझे बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं मतलब ये नहीं देखता मैं किसके तरह, मैं अपनी अपनी नेचुरल बॉलिंग करता हूँ, लेकिन
ये जरूर है कि जो इतने बड़े लेजेंड बने हैं तो जाहिर बात है उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, और मैं मतलब कोशिश करूंगा उन उन जितनी मेहनत करूं उनसे ज्यादा करूं कि मैं अपना नाम कमाऊं। और टीम में जो सीनियर्स प्लेयर है वो मतलब इस तरह कहते हैं, सारे प्यार करते हैं जितने भी है, तो मैं टीम में सबसे छोटा हूँ तो सारे प्यार करते हैं, तो मतलब इस तरह नाम बोलते हैं। मतलब इससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ कि मुझसे इतने इतना उम्मीद रखते हैं, तो इस वजह से मैं और मतलब एक वो होता है कि मेहनत ज्यादा करनी है। और बाकी वो तो इतने बड़े लेजेंड हैं, अभी तो मेरी क्रिकेट की स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा तो फिर बनूंगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपने ऑलरेडी इतना इम्पैक्ट अपना दिखा दिया टीम पे, हैट्रिक ले चुके हैं आप टेस्ट क्रिकेट में। आप वो हैट्रिक के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, जब आपने ली थी, पहली विकेट गिरी, दूसरी विकेट गिरी, आप थोड़ी सी अपनी सोच की मुझे थोड़ी इनसाइट दें, उस वक्त क्या हो रहा था आपके आपके दिमाग में? एक तो उस टाइम पे मुझे विकेट नहीं मिल रही थी, विकेट ऐसी थी हल्की सी रिवर्स स्टार्ट हुई, लेकिन यही था कि टेस्ट क्रिकेट में सबर होता है और एक जगह से करी जा रहा था कि बस इधर करना है, बाकी जो हो रहा है वो देखा जाएगा, फिलहाल बॉल इधर ही रखो। जब पहला आउट हुआ तो खुशी हुई, और मतलब ये नहीं था कि अब हैट्रिक होगा, माइंड में नहीं था, लेकिन जब दूसरा जैसे आउट हुआ तो फिर मुझे फील हुआ अब तो हैट्रिक का चांस है, और दिमाग में आया कि अब ये जो बॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने क्या करना है सोच समझ के, सारी चीजें देख के, नो बॉल है सारा, क्योंकि आप जब आउट करते हो तो आप जरा एक्स्ट्रा जान लगाते हो और उसमें नो बॉल हो जाता है, तो सारी चीजें जो है वो माइंड में आ रहे थे, और ये मैंने सोचा था कि बस अब हैट्रिक का है और यही सोचना है कि करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, बस उसी बॉल पे 100% कॉन्सेंट्रेट किया और अच्छी जगह पे गिरा और हैट्रिक हुआ, तो अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त, देखने में यकीनन बड़ा मजा आया नसीम, ऑनेस्टली हम देख रहे थे ना, पागल हो गए थे मैं और मेरे दोस्त उस वक्त मैच देखते हुए ना, कि आपने हैट्रिक ली, हमें आपसे ज्यादा शायद खुशी हुई होगी, आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताए, अगर आप क्रिकेट ना खेलते नसीम, ठीक है, अगर आप क्रिकेटर ना बनते, आपको क्या लगता है आप और क्या कर सकते थे? मेरे ख्याल से और तो मेरे में ऐसा कोई टैलेंट है ही नहीं, स्कूल में ये था, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई में क्या करता था कि स्कूल जाता था सिर्फ ब्रेक का सोचता था कि ब्रेक कब होना है, जब ब्रेक में हम क्रिकेट खेले, यही माइंड में चल रहा था। और स्कूल में मेरे बहुत कंपटीशन, मैं ये नात वगैरह ये पढ़ता था, मतलब इन चीजों का भी बड़ा मुझे शौक था, मैं उठता था स्पीक देता था जो स्कूल में होता है इन चीजों में था, लेकिन एक एक नेचुरली होता है कि जिसम चाहता था बस क्रिकेट खेलो, स्कूल में होते थे एक एक जो पीरियड होता है वो मतलब गिनते थे इतना टाइम गुजर रहा है, इतना ये हो गया, अब ब्रेक होगा, ब्रेक में हमने क्रिकेट खेलना है, माइंड में यही था क्रिकेट, फिर यही है कि अगर क्रिकेट ना खेलते तो मालूम नहीं क्या बनते अभी लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, क्योंकि आप एक चीज के लिए आप सोचो 100% और आप एक एक सोच रखो कि मैंने तब तक जान लड़नी है जब तक जान हो, तो यही है कि मतलब एक शौक था, और अब ये नहीं मालूम क्रिकेट ना खेलता तो पता नहीं क्या करता, हमको मोती वोती भेजता वेरी गुड। अच्छा एक बात, आप क्रिकेट के अलावा कोई शौक रखते हैं? क्रिकेट के अलावा फिल्में, टीवी, म्यूजिक, इस तरह की चीजें? क्रिकेट के अलावा मैं मूवीज देखता हूँ, वो भी मिशन वाला, मतलब मुझे ये जो दूसरे मूवीज होते हैं लाइक जिसमें ये एक होते हैं जिसमें ये फाइटिंग वगैरह होती है, बच्चों की तरह मेरा माइंड है, जिसमें फाइटिंग होती है मैं वो मूवी जो है वो शौक से देखता हूँ, लाइक मिशन टाइप मूवीज होती है, वो मेरा फेवरेट एक्टर था, जो इंडियन इंडियन इरफान खान वो मेरा फेवरेट एक्टर था, वो बड़ा सीरियस एक्टर था, वो मिशन के जो मूवीज होते थे जिसमें फाइटिंग ज्यादा होती थी ये मर्डर मूवी मैं वो देखता। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाता है नसीम, आप कौन से एक्टर को देखना चाहेंगे आपका रोल प्ले करता है? हु इज गोना प्ले नसीम शाह इन द नसीम शाह फिल्म? अब तो वो है ही नहीं जो मेरे फेवरेट है वो जी तो जी इस बिल्कुल दुनिया से चले गए, नहीं, लेकिन वो लेकिन उसकी अब जगह दूसरा है नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी मुझे उसके बाद वो मुझे पसंद। बहुत से स्पेशल इफेक्ट करने पड़ेंगे, आपकी उम्र बहुत छोटी है, उनकी उम्र बहुत आपसे काफी ज्यादा है, लेकिन चले कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर, ग्रेट चॉइस, वेरी गुड।
अच्छा आप मुझे थोड़ा सा ना इंग्लैंड टीम के बारे में बताएं, ये जो इंग्लैंड टीम जिसके साथ आप खेल रहे हैं उनमें शानदार खिलाड़ी हैं, उसमें जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर, क्रिस, इनकी शानदार बॉलिंग लाइनअप है। आपकी जेम्स एंडरसन के बारे में क्या सोच है? जेम, मेरे ख्याल से जेमी भाई तो माशाल्लाह इतने आउट किए, 500 कुछ 600 आउट होने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। और वो एक लेजेंड बॉलर है, क्योंकि इतने ज्यादा टेस्ट में आउट करना, उनके टेस्ट भी ज्यादा होते हैं, और वो एक लेजेंड बॉलर है। जिस तरह वो लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है, दोनों स्विंग बिल्कुल कंट्रोल से, जिस तरह की एक्शन है, तो मेरे ख्याल से और जितना वो करना था, अभी तो माशाल्लाह वो अभी भी फिट है, वो अभी भी खेल रहा है, लेकिन बहुत इंग्लैंड के लिए बहुत आउट किए, 500 600 आउट करना। टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, आपको पता होगा। टेस्ट क्रिकेट जो है वो 500 600 आउट करना इंग्लैंड के लिए वो बहुत बड़ी बात है, कि इंग्लैंड के लिए बहुत बहुत अच्छा किया। यूजली आप बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेकिन आपको चांस मिला है उनको फेस करने का भी, इन द मिडल, कैसा लगा था? क्योंकि यकीनन आपने उनकी क्रिकेट बड़ी देखी होगी, ग्रोइंग अप, और अब अचानक आप उनको फेस कर रहे हैं सेंटर में, कैसा आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा फील हो रहा था। मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ, फिर मेरे जहन से वो चीजें निकल जाती है कि मतलब कौन बॉलिंग कर रहा था। फिर बाद में जब मैं फोन में देख रहा था, मैं जिम एंडरसन का मैंने बॉल खेला, इतना अच्छा फ्लिक मैंने मारा, और बाद में मुझे याद आया, लेकिन जिस टाइम पे खेल रहा था उस टाइम दिमाग में नहीं था कि मतलब कि जेमी भाई जो है वो बॉल कर रहे हैं। और क्योंकि इस तरह मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, स्टार के हम बॉलिंग देखते थे, मतलब टीवी में देखते थे उसको, फोन में उसके बॉलिंग देखते थे, और वो हैट्रिक वाला बॉल था वो मुझे कर रहा था, तो उस टाइम तो वो मुझे मतलब ये नहीं फील हो रहा था कि स्टार बॉलिंग कर रहे हैं और इतना सब कुछ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला हाँ, फिर इतने बड़े बॉलर को खेला। ही इज अ गुड बॉलर, और आप जब आप बॉलिंग करा रहे होते हैं, आपके पास इस वक्त इतने शानदार कोचेस हैं, आपके कैप्टन, हेड कोच मिसबा भाई हैं, बैटिंग कोच यूनिस भाई हैं, एंड देन यू गॉट वकार यूनिस, विकी भाई, द लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन द गेम, नेवर माइंड पाकिस्तानी क्रिकेट. आपको कभी लगता है कि यार मुझे वकार यूनिस कोचिंग कर रहा है, लाइक डू यू फील समथिंग स्पेशल? बिल्कुल, जैसे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं भाई के शॉप पे था उस टाइम, और मुझे वकार भाई की कॉल आई। पहली दफा जब मुझे कॉल आई तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, आप पता नहीं जो भी बात कर रहे हैं, आप मजाक ना करें। वो सर ने मेरे ख्याल से वो कहानी सुनाई भी थी कि जब मैंने इसको कॉल की थी कैसे। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मतलब अपने साथ इतना मतलब क्लोज किया कि वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं, लाइफ के बारे में सारी चीजें हम पूछते हैं। मतलब हमें हमें एक डर नहीं लगता कि हम मतलब इतने बड़े लेजेंड रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और पता नहीं क्योंकि उन्होंने इतना क्लोज किया, हर चीज के बारे में बताते, लाइफस्टाइल के बारे में बताते, क्रिकेट तो है ही है, वो जो चीजें मतलब है वो बताते हैं, लेकिन पर्सनली कोई भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब उनके उनके पास जाते हैं, और बिल्कुल डर नहीं होता कि मतलब जैसे अपने से अपने के पास आप जा रहे हो कोई मशवरा लेने, तो मतलब उस तरह जाते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है। आप जब इंग्लैंड में खेलते हैं, आपकी फेवरेट चीज क्या है इंग्लैंड के बारे में? मेरा फेवरेट जो है मतलब जब मैं क्रिकेट जब टेस्ट मैचेस देखता था तो ये सोचता था कि अभी लॉर्ड्स में मैं खेलूं मैच, क्योंकि लॉर्ड्स जो जो ग्राउंड बहुत बहुत आला है, मतलब जबरदस्त वहां पे मैचेस होते हैं, और यहाँ का वेदर जो है वो बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी है, और यहाँ पे ये जो है वो मतलब इनकी गर्मी ऐसी है कि हमारे जहाँ पे वहां पे ठंड होती है, वहां इनकी जो है इस तरह इनकी गर्मी है, तो वेदर एक बहुत जबरदस्त है, ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, पिचेस बहुत बहुत अच्छे पिचेस है, और बॉल भी यहाँ पे ड्यूक होता है, तो मतलब अच्छी क्रिकेट मिलती है यहाँ पे। वेरी गुड. आप जब लोग आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, इधर इंग्लिश लोग इंग्लिश एक्सेंट के साथ बात करते हैं, कभी होता है आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कोई एक्सेंट के बारे में आपकी कोई सोच है? अपने सर जब कोई पास खड़ा होता है अपना प्लेयर, फिर थोड़ा सा गुजारा करते, थोड़ा सा खामोश होते हैं, लेकिन अगर प्लेयर ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ समझा सकते हैं, इतना कोई इशारे करे बोले जो भी है उनको पूरी तरह हम समझा सकते हैं, लेकिन जब कोई प्लेयर साथ खड़ा होता है तो वो फिर तंग करता है कि यार देखते इसका इंग्लिश ये कैसे बोलता है, लेकिन मतलब इतना आप टीम के साथ होते हो, आप सबके साथ नॉर्मली बात करते हो, तो ये तो एक
मतलब लैंग्वेज है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हो। मतलब मैं ये अब मैं बात करता हूँ, कोई चीज चाहिए वो कुछ सारा, तो आराम से मैं मतलब बात करता आप चाहेंगे कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टूर करे? हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इंग्लैंड ही मैं तो जाऊंगा, कोई भी टीम हो वो पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये जो टेस्ट क्रिकेट हुई है अगेंस्ट बांग्लादेश और श्रीलंका, तो सबने देखी होगी क्राउड किस तरह आ रहा था और कितना मजा आ रहा था वहां पे, और सब कुछ जो है वो जबरदस्त हो रहा था। तो इनशाला उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी सारे जो टीमें हैं वो आएंगे और वहां पे अच्छा क्रिकेट खेलेंगे।